1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था वो इस लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि ये बेशकीमती पाकिस्तानी बंदरगाह शहर ग्वादर कभी भारत को कैसे मिलने वाला था। ओमान ने 1950 के दशक में इसे भारत को बेचने की पेशकश की थी, लेकिन तब नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय ग्वादर मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। हथौड़े के आकार वाला मछली पकड़ने वाला गांव आज पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चीन की मदद से यहां ना सिर्फ विकास को रफ्तार मिल रही है, बल्कि ये रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम हो गया है। ग्वादर 1783 से ओमान के सुल्तान के कब्जे में रहा और 1950 के दशक तक ग्वादर पर लगभग 200 सालों तक ओमान का शासन रहा। 1958 में पाकिस्तान के कब्जे में आने से पहले इसे भारत को बेचने की पेशकश की गई, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने ग्वादर खरीदने में रुचि क्यों नहीं दिखाई, इसे लेकर कई बातें सामने आई हैं, कई तर्क हैं। एक तर्क ये कहता था कि ग्वादर पाकिस्तान के किसी भी हमले से बचाव योग्य नहीं था, ये देखते हुए कि नेहरू अभी भी पाकिस्तान के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में ग्वादर जैसा एक क्षेत्र शायद व्यर्थ में उकसावे की वजह बन सकता था। वहीं अगर नेहरू ने ग्वादर के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया होता तो इसके क्या परिणाम होते। माना यह जाता रहा है कि भारत ने इस इलाके में दिलचस्पी ना दिखाकर गलती की थी। अगर भारत ने तब इस इलाके की खरीद में दिलचस्पी दिखाई होती तो ना सिर्फ पश्चिमी एशिया की गतिविधियों पर बेहतर निगाह रखी जा सकती थी, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत बेहतर जगह खड़ा होता। पाकिस्तान पर भी निगाह रखने के लिए यह इलाका बेहतरीन साबित होता। चीन की इस इलाके में एंट्री के बाद भारत के लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं वो शायद ना होती, लेकिन ये भी एक सच है कि तब भारत के लिए उस इलाके पर नियंत्रण रख पाना आसान नहीं था। आजादी के ठीक बाद भारत आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से मजबूती के प्रयासों में लगा था। साथ ही पाकिस्तान इलाके में विद्रोह पनपाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस इलाके पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था। ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दिए जाने का मुद्दा अब 50 साल बाद लोकसभा चुनावों में भी गूंज रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस को घेर भी रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे का असर आगामी चुनावों में क्या पड़ेगा, ये देखना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह के तमाम वीडियोज के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत डिजिटल। नमस्कार।